अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैनल पे क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिल्कुल फ्री है, उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैन इकबाल और आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड पेन। तो आज जो है मैं बाहर गया हुआ था, किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो इन्होंने जो है ना तकरीबन 6 बच्चे दिए हैं। वो माशाल्लाह से मैं इतने बड़े हो गए, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो जो है ना आज हुआ क्या कि मैं जैसे ही घर आया और मैं जब ऊपर आया इनको खाना देने के लिए, तो अभी शाम की बात है, शाम के तकरीबन 6:30 बजे तक मैं ऊपर आया तो देखा तो यहाँ नीचे जो है ना 3 बच्चे मरे पड़े हुए थे, तीनों के तीनों बच्चे मरे पड़े हुए थे। तो अब ये पता नहीं है क्या ये इन्होंने मारे हैं या वो गर्मी से मरे हैं, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि वो गर्मी से ही मरे हैं। ये तो मार नहीं सकती, अगर मारा होता तो उनसे खून निकल रहा होता, या वो भूखे हैं इस वजह से मरे हैं, तो ये तो मुझे पता नहीं। मगर मैंने जो बाकी 3 बच्चे थे उनको मैंने अलग कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ रखा है। ठीक है, तो चलें देखते हैं वहाँ बच्चा पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, मरा हुआ। ये जगह है यहाँ, ये हमारी टैंकी है, इसके ऊपर जो है ना हम पानी रखा होता है, कभी बाजरा भी रख देते हैं। नहीं है, देखें ये देखें पर वगैरह पड़े हुए, लेकिन बच्चे नहीं हैं, देख सकते हैं खा लिए कबों ने। ये देखें ये पड़ा हुआ इसका सर, देखें भाई ये पड़ा हुआ इसका सर और ये पड़ी हुई इसकी टांगे। देखें भाई सर और टांगे छोड़ दिए, पाँव बाकी बीच वाला हिस्सा ले गए। देखें भाई, तो मैं चलें आपको बाकी के बच्चे दिखाता हूँ। ये तो जो 3 बच्चे मर गए थे वो मैंने यहाँ रखे थे, देखें चूंटियाँ भी कितनी आई हैं। तो चलें मैं आपको बाकी के बच्चे दिखाता हूँ जो मैंने साइड में इस पिंजरे से अलग कर लिए। देखिए जी, मैंने यहाँ रख दिए, ये जो है इधर गैलरी बनी है, ऊपर से हवा आती है, इस जगह मैंने इनको रखा। ये देखिए ये 3 बच्चे, तो देखे आपने वो 3 बच्चे, बाकी और की ये देखें, ये मैं जो है नर लाया था एक, आपको पता ही होगा कि इधर ब्लू वाले थे, एक ये येलो की मादी थी और ब्लू का जो है नर था, तो अब मैं येलो नर लाया हूँ। ये रुक रहा नहीं है एक जगह, ये देखें ये रहा ये मादी, ठीक है। बाकी ये इन दोनों का पेयर तो बन गया है, मटकी वगैरह में ये नहीं जा रहे, ऊपर बैठते हैं, बाकी एक दूसरे को ख़ारिश करते हैं। नर जो है मादी को दाना भी खिलाता है, मगर अभी मैंने सबा रखा हुआ है, कभी भी अंडे दे दें, मगर मैं जो है ना जज्बाती नहीं करता कि यार जल्दी से इनको ब्रीडिंग फार्मूला डालो ये कोई, तो ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने इनको ढीला छोड़ा हुआ है। तो आप लोग भी जो है ना सब्र रखा करें, आप लोग लाते हैं फ़ौरन जो है, बोलते हैं यार 1 महीना हो गया ब्रीड नहीं की इन्होंने, जल्दी से जल्दी लाएं ब्रीडिंग फार्मूला डालें और अंडे दें, ऐसा नहीं होता, इससे और ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका माशाल्लाह से पेयर तो बन गया, 1 महीना हो गया तकरीबन इनको। बाकी ये फीचर की ये देख सकते हैं, इसकी तो जोड़ी आपको पता होगा कितनी पुरानी है, देखें इसने अभी तक अंडे नहीं दिए। ठीक है, मादी जो है उसमें मटकी में जाती है पर अभी तक इसने अंडे नहीं दिए हैं। चलें चेक करते हैं, क्या पता दिए हों, खैर मुझे तो पता नहीं है, कभी मैंने मटकी चेक नहीं की। चलें चेक करते हैं,
ये मैंने खोल ली इसकी तार, अब चलते हैं अंदर। कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। घास वास इन्होंने डाली है और अंदर मटकी में जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये है मादी और नर। मैं बहुत जो है मैं जज्बाती नहीं करता, बस अंडे देने दे, नहीं देने नहीं दे, मैं रखा हुआ है बस। इसी तरह आप लोग सब्र रखें मेरी तरह। ये देखें, ये भी है, ये भी आपको पता होगा कितने टाइम से मेरे पास है। ये भी जो है मादी को खाना वाना खिलाता है, बाकी ख़ारिश वारिश और मटकी में जो है नहीं जा रहा। इंशाल्लाह जब जाएंगे या ब्रीड करेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें इसमें आ जाते हैं, ये थ्री वाली मटकी में जिसमें मादी बैठी है, इसमें माशाल्लाह से चार अंडे। मैं इस मादी को पकाता हूँ, देखें इसके अंदर चार अंडे पड़े हैं, देख सकते हैं, आपको नज़र तो आ रहे होंगे, सही है। बाकी और बाकी मटकियों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान है।